हेलो एवरीवन, मैं अमित सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग इतिहास की एक श्रृंखला शुरू कर चुके हैं, उसमें से हम लोगों ने बच्चों सिंधु सभ्यता के तीनों पार्ट्स कवर कर लिए हैं। आज हम लोग बात वैदिक सभ्यता की बच्चों करेंगे। किस सभ्यता की बात करेंगे बच्चों? वैदिक सभ्यता, जो नई सभ्यता है, आगे की सभ्यता है, हम लोग उस सभ्यता की बात करेंगे। किस सभ्यता की? वैदिक सभ्यता की बच्चों बात की जाएगी आज, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु सभ्यता पढ़ा, वह एक नगरीय सभ्यता थी, और उसी प्रकार से वैदिक सभ्यता जो बच्चों है ये ग्रामीण सभ्यता है। जो प्रमुख विशेषता है इसकी क्या है? ये ग्रामीण सभ्यता है। विरोधाभास में नजर आता है कि पहले नगर की व्यवस्था हुई और बच्चों बाद में ग्रामीण व्यवस्था आई, लेकिन हमारे पास जो इतिहास का संकलन है उसमें से पहले नगरीय सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का उल्लेख है और बाद में वैदिक सभ्यता अर्थात ग्रामीण सभ्यता का उल्लेख है। हमें वैसे ही पढ़ना है बच्चों, तो ठीक है, बात करते हैं बच्चों वैदिक सभ्यता। ये जो सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है बच्चों? ग्रामीण सभ्यता है, याद रखिएगा। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। जबकि इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ी थी सिंधु या हड़प्पा सभ्यता बच्चों, वो कैसी सभ्यता थी? तो बच्चों सिंधु सभ्यता जो वो जो बच्चों थी वो नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। कैसी सभ्यता थी वो? नगरीय सभ्यता थी। जैसे है वैसे ही क्रम से पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता की, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। अगर हम इसका टाइम पीरियड देखें कि वैदिक सभ्यता क्या समय कब से कब तक है, तो ये जो बच्चों समय है वैदिक सभ्यता का, अगर हम बात करें तो ये बच्चों 1500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। कब तक मानी जाती है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के बच्चों इसे 600 ईसा पूर्व तक माना गया है, ठीक है। अगर हम इसके विभाजन की बात कर लें तो इसे दो खंडों में बच्चों विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसे दो भागों में बांटा गया है वैदिक सभ्यता को। इसका जो पहला है, पहले इसे पूर्व वैदिक काल में बांटा गया है बच्चों। किसमें बांटा गया है? पूर्व वैदिक काल, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा बच्चों इसे उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। उत्तर वैदिक काल, अगर हम पूर्व वैदिक काल के बच्चों समय की बात करें, तो इसका बच्चों समय जो है वो 1500 से 1000 तक माना जाता है, 1000 बीसी तक माना जाता है, ठीक है। और अगर इसके समय की बात की जाए उत्तर वैदिक काल के, तो इसका बच्चों समय कब से कब तक का है? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है बच्चों वो उत्तर वैदिक काल का है, और पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। अगर हम इस सभ्यता के बारे में बात करें कि इस सभ्यता की जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो इसके बच्चों दो साक्ष्य हैं इस सभ्यता को जानने का। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। हमें बच्चों पूर्व वैदिक काल को कुछ लोग बच्चों ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? कुछ बच्चों इसे ऋग वैदिक काल भी लोग कहा करते हैं। क्या कहा जाता है इसी को ऋग वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है। ऐसा कहने का कारण बच्चों क्या है कि इसे पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो इसकी जानकारी बच्चों हमें ऋग्वेद से मिलती है। इसकी जानकारी किससे मिलती है बच्चों? आपको ऋग्वेद से मिलती है, जबकि इसकी जानकारी हमें शेष तीन वेदों से मिलती है। शेष वेदों से इसकी जानकारी हमें बच्चों मिलती है, ठीक है। शेष वेदों की जानकारी हमें किससे मिलती है? उत्तर वैदिक काल से मिलती है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है बच्चों। तो पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी हमें ऋग वेद से बच्चों मिलती है, जबकि उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें शेष तीन वेदों से मिलती है। शेष तीन वेदों की बात करें बच्चों, अगर शेष तीन वेद कौन से होंगे बच्चों कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अथर्ववेद है आपका, जो सबसे बाद में लिखा गया था। इसके अलावा आपका बच्चों कौन सा है?
नवीन वेद में अथर्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। इन तीन वेदों से बच्चों जानकारी किसकी मिलेगी, उत्तर वैदिक काल की जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, जबकि पूर्व वैदिक काल को ही ऋग वैदिक काल कहा जाता है क्योंकि इसकी संपूर्ण जानकारी आपको ऋग वैदिक काल से मिलेगी। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, या इसके पहले वाली सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, वो नगरीय सभ्यता थी। इसका टाइम पीरियड कब तक है, 1500 से बच्चों 600 ईसा पूर्व तक है। इसे दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इस वैदिक काल को ही ऋग वैदिक काल कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड इतना है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों कि सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता कैसे पड़ा। ठीक है, चलिए बच्चों, वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है वैदिक सभ्यता की, इसकी जानकारी की बच्चों दो साक्ष्य है। पहला है पुरातात्विक साक्ष्य। कौन सा है बच्चों, पुरातात्विक साक्ष्य। पहला साक्ष्य आपका कौन सा है, पुरातात्विक साक्ष्य है, जहां से इसकी जानकारी मिलती है। और दूसरा बच्चों आपका जो है, दूसरा जो है जहां से साक्ष्य मिलती है वो है साहित्यिक साक्ष्य। क्या है बच्चों, साहित्यिक साक्ष्य, यानी साहित्य है। दो प्रकार के साक्ष्य हैं जिनसे इनकी जानकारी मिलती है। पुरातत्व में बच्चों आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जमीन के अंदर से या नीचे से जो भी खोद कर निकाला जाए या खुदाई के दौरान जो भी प्राप्त साक्ष्य होते हैं वह सारे साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है बच्चों, और साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत हमारे सारे साहित्य आते हैं। प्रमुख रूप से हमें इसकी जानकारी साहित्य से मिलेगी। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत बच्चों जो याद करना है वो है बोगस कोई का अभिलेख। बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिख रहा है इसको, देखो जरा वीडियो में, ये सही से दिख रहा है, कितना है इसका बोगस का, बोगस नहीं आ रहा है अब। ठीक है चलिए, बोगस कोई से, कहां से बच्चों, बोगस कोई से इसका हमें साक्ष्य मिलता है। बोगस कोई अभिलेख, इसकी बारे में कहानी है, वो आपके एग्जाम से संबंधित नहीं है, वर्ल्ड एग्जाम से। इसमें दो राजा हैं ईरान के, एक का नाम मितन्नी है, एक का नाम सुब्बी लिवा है। उनके मध्य जो संधि हो जाती है बच्चों उसी को इस लेख में लिखा जाता है। और ये हमें कहां से मिलता है, एशिया माइनर से मिलता है, या बच्चों मध्य एशिया से मिलता है। कहां से मिलता है, तो मध्य एशिया से इसकी हमें जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी मिलती है, इसकी मध्य एशिया से जानकारी मिलती है। ठीक है चलिए, कितने पहले का है, तो ये बच्चों 1400 ईसा पूर्व का है। कितने समय का है, 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात क्या है, ये 1400 ईसा पूर्व का है, इससे बच्चों हमें तीन इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये चार भारतीय देवता के यहां से प्रमाण मिलते हैं। इसलिए आपको इसको भी याद करना पड़ेगा। पुरातात्विक साक्ष्य में बोगस कोई का अभिलेख कहां से मिला, मध्य एशिया से मिला है। कितना पुराना है, 1400 ईसा पूर्व का है। और इनसे कौन से देवताओं के साक्ष्य मिले हैं या नाम मिला है, तो इंद्र, वरुण और मित्र तथा नासत्य, इन चार देवताओं का नाम मिला है। आपको कहानी बता दी गई कि इसमें ईरान के जो राजा थे मितन्नी और सुब्बी लिमा, इनके मध्य जो संधि हुई उसके यहाँ पर जो संधि का, संधि के तहत शर्तों को लिखा गया था, उसी में से इनके नाम भी लिखे हुए हैं साक्ष्य के रूप में। इसीलिए बच्चों इसको मितन्नी अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मितन्नी अभिलेख कहा जाता है। ठीक बच्चों, कौन सा अभिलेख कहा जाता है, इसी को मितन्नी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। पुरातात्विक साक्ष्य में और जो हमें जानकारी मिलती है वो पूर्व वैदिक काल की है बच्चों। क्या है, पूर्व वैदिक काल के साक्ष्य हमें मिले हुए हैं। पूर्व वैदिक काल से हमें क्या मिला है, ओसीपी, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों गैरिक मृदभांड के साक्ष्य जो मिले हैं वो पुरातात्विक काल के हैं। गैरिक मृदभांड जो है
वो पुरातात्विक काल के मिले हैं हमको। कहां से बच्चों? पुरातत्व से, खुदाई से उन्हें ओसीपी बोला जाता है। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल में क्या मिला है, तो उत्तर वैदिक काल में हमें बच्चों, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभान यानी मिट्टी के बर्तन, इसको बच्चों PW बोला जाता है, पेंटेड ग्रे बोला जाता है। तो बच्चों क्या मिलता है? उत्तर वैदिक काल से चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। तो बच्चों वैदिक काल के जानने के दो साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य बच्चों और साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक वो होते हैं जिन्हें उत्खनन के दौरान प्राप्त किया जाता है, वे समस्त साक्ष्य बच्चों कहां पर आएंगे? आपके पुरातात्विक के अंतर्गत आएंगे। और साहित्य से संबंधित, अब साहित्य के बाद बात करेंगे, पहले पुरातत्व की बात करेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में बोगजकोई का अभिलेख मिलता है जो मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। कितना पुराना है? 1400 ईसा पूर्व का है और इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासक चार भारतीय देवताओं का साक्ष्य मिलता है। इस अभिलेख को मितली अभिलेख भी कहा जाता है। दूसरा पुरातात्विक के रूप में हमें बच्चों मृदभांड मिले हुए हैं। क्या मिला है? मृदभांड, मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, मिट्टी के बर्तन मृदभांड। गैरिक मृदभांड जो गैरवी रंग के मिले हुए हैं वो पूर्व वैदिक काल के हैं, और चित्रित मृदभांड जो है वो उत्तर वैदिक काल के मिले हुए हैं। तो ये बच्चों आपके जो साक्ष्य थे वो किस प्रकार के साक्ष्य हो गए? ये आपके सारे साक्ष्य हो गए पुरातात्विक। अब हम लोग बात करेंगे साहित्यिक साक्ष्य की, तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पुरातात्विक साक्ष्य का, ठीक है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्य की। तो हेडिंग आप डाल सकते हैं साहित्यिक साक्ष्य। चलिए साहित्यिक साक्ष्य से पहले थोड़ी सी जानकारी लेंगे। कहते हैं कि सभ्यता के जो निर्माता हैं, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है बच्चों? आर्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आर्यों को वैदिक सभ्यता का निर्माता माना जाता है। आर्य जो है बच्चों ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो बच्चों श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ का मतलब हो गया उच्च, तो ये श्रेष्ठ इस शब्द का मतलब होता है। आर्यों को ही वैदिक सभ्यता का निर्माता माना जाता है। अब आर्यों को भारत का मूल का नहीं माना जाता है, इन्हें विदेशी माना जाता है। तो प्रमुख रूप से बच्चों इसमें तीन कथन आपको याद रखने हैं। नंबर एक पर आता है मैक्स मूलर, जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो कौन है बच्चों? वो है मैक्स मूलर। इसके अनुसार आर्य जो है बच्चों कहां का निवासी है? मध्य एशिया का निवासी है। आर्य कहां के रहने वाले हैं बच्चों? तो वो मध्य एशिया के रहने वाले हैं। तो ये याद रखिएगा, सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त मत है बच्चों वो किसको प्राप्त है? मध्य एशिया को। आर्य का कहां का निवासी? दूसरे जो है वो है आपके डॉक्टर संपूर्णानंद, उन्होंने इसको विस्तृत किया बच्चों, डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है बच्चों? डॉक्टर संपूर्णानंद है। उन्होंने बताया कि ये आल्पस पर्वत के तट पे रहते थे, आल्पस पर्वत के आसपास रहते थे। आल्पस पर्वत बच्चों कहां पर है? ये यूरोप और एशिया का जो मिलन स्थल है वही आल्पस पर्वत है, और इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? यूरेशिया भी इसे कहा जाता है, ठीक। तीसरा जो पूछा जाता है बच्चों वो बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वो कहां के निवासी थे? बाल गंगाधर तिलक जी तो बच्चों बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें आर्कटिक प्रदेश का बताया है। कहां का बताया है? आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव। मान लीजिए कि आपका ग्लोब है, और ग्लोब का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे बच्चों क्या कहा जाएगा? उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाले हिस्से को कहा जाएगा दक्षिणी ध्रुव। तो यहीं पर आर्कटिक प्रदेश है बच्चों, इसी का निवासी किसने बताया है?
बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको उत्तरी ध्रुव का निवासी बताया है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उन्होंने कहां से बताया है, चौथा ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्हें आर्य समाज का बच्चों संस्थापक माना जाता है। भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, इन्होंने इनको तिब्बत का बताया है। कहां का बताया है, तिब्बत का मूल निवासी इनको बताया है। तो आपको ये चार याद करने पड़ेंगे कि आर्य सभ्यता के वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन, आर्य माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं बच्चों, आर्य। ये किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका मतलब क्या होता है, तो श्रेष्ठ होता है। ठीक है, ये बच्चों आर्य कहां से है, तो मैक्स मूलर जो जर्मन का रहने वाला था, इनके अनुसार ये मध्य एशिया के निवासी और सर्वाधिक मत यही माना जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा इसी का विस्तृत रूप बताया है डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने, इनके अनुसार ये आल्पस पर्वत में रहते थे। आल्पस पर्वत कहां पर है, तो ये यूरोप और एशिया का जो मिलन स्थल है वही श्रृंखला जो है आल्पस पर्वत है, अर्थात ये भी मध्य एशिया ही बताना चाहते हैं। इन्होंने थोड़ा सा डिटेल किया हुआ है। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार बच्चों ये आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, इनको भी याद रखना है क्योंकि कठिन पूछ लिया जाता है कभी कभी। और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार ये बच्चों कहाँ के निवासी हैं, तो इनको इन्होंने तिब्बत का बताया होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि कहाँ के ये निवासी थे। चलिए अब इसको हटा देते हैं, तो आपको पता चल गया कि ये सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे। ठीक है बच्चों, कौन से लोग थे, आर्य थे, और इन्हें मूल रूप से कहां का माना जाएगा, मध्य एशिया का माना जाएगा। कहां का माना जाएगा बच्चों, मध्य एशिया का इनको माना जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं ये मध्य एशिया से भारत आ गए या तिब्बत से आ गए या कहीं से भी आए, लेकिन माने तो बाहर के ही गए ना, तो कहीं ना कहीं आकर बसे होंगे। तो इनका जो निवास स्थान है बच्चों वो पंजाब माना जाता है। कौन सा स्थान माना जाता है, पंजाब और अफगानिस्तान को बच्चों इनका निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है जब ये शाखा भारत आई, इनकी तीन शाखाएं मानी जाती हैं, मध्य एशिया से एक चली गई यूरोप की तरफ, दूसरी ईरान की तरफ, और तीसरी जो है वो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसी, जिसे आर्य कहा गया है। तो ये कहां पर बसे हैं बच्चों, पंजाब और अफगानिस्तान में सिंधु नदी के आसपास ये बच्चों बसे हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आर्यों का प्रिय पशु कौन सा है, आर्य का जो है प्रिय पशु कौन सा है बच्चों, तो इनका प्रिय पशु बच्चों घोड़ा, इसको भी याद रखिएगा, इनका प्रिय पशु कौन सा है, घोड़ा है। और इनका व्यवसाय कौन सा है, मुख्य व्यवसाय, तो मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, कृषि नहीं है याद रखिएगा, और ना ही इनका व्यवसाय व्यापार है, इनका जो मुख्य व्यवसाय है बच्चों क्या है, पशुपालन है। प्रिय पशु क्या है, घोड़ा है, इसको याद रखना है। और बसे कहां पर है, आकर पंजाब में बसे हुए हैं। ठीक है बच्चों, पंजाब में बसे हुए हैं। इन सब की जानकारी हमें कहां से मिलती है बच्चों, वेदों से मिलती है, वेदों से जानकारी की मिलती है। और वेद का शाब्दिक अर्थ बच्चों पूछा जाए तो क्या होता है, ज्ञान होता है। क्या होता है, ज्ञान होता है वेद का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, अगर हम वेद की बात करें तो इनकी संख्या बच्चों कितनी है, इनकी संख्या चार है। कितनी है, चार है, जिनमें से पहला जो है आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बच्चों ऋग्वेद। सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा बच्चों है, ऋग्वेद है। वैसे तो इसको अपौरुषेय माना जाता है, जिसकी रचना पुरुष ने ना की हो उसे बच्चों अपौरुषेय माना जाता है। ठीक है, फिर भी ऐसा मानना है इतिहासकारों का कि यदि ये कृति है, रचना है, तो किसी ना किसी ने तो रचा ही होगा। तो इसका जो लगभग समय अनुमान माना जाता है वो 1500 से 1000 ईसा के पूर्व के पहले या आसपास लगभग अंबाला क्षेत्र में माना जाता है। कहाँ माना जाता है, अंबाला वाले क्षेत्र में माना जाता है। ये सबसे प्राचीन वेद है, इसकी कुछ बातें कर ले। इसका संकलन करता किसे माना जाता है बच्चों, संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है।
ठीक है बच्चों, इसके संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को इसका संकलनकर्ता माना जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों इसमें 10 मंडल, कितने मंडल हैं? 10 मंडल। मंडल से बच्चों मतलब है एक अध्याय का, एक चैप्टर का, तो इसमें 10 अध्याय है, 10 मंडल है, 1028 इसमें सूक्त है, कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है, और 10462 जो बच्चों हैं इसमें ऋचा है, ऋचा मतलब मंत्र है। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 और 10462 ऋचाएं बच्चों इसमें हैं। ठीक है, इसमें ऋग्वेद, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। इसमें अगर हम इसके बात करें तो जो इसका फर्स्ट मंडल है बच्चों, प्रथम एवं दसवां जो है सबसे बाद में लिखे गए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बाद में कौन सा मंडल लिखा गया है? तो प्रथम एवं दसवां मंडल सबसे बाद में इसमें लिखा गया है। दूसरा और सातवां सबसे पहले लिखा गया था बच्चों, दूसरा जो है और जो सातवां है वो सबसे पहले लिखे गए थे। ठीक है बच्चों, और सबसे बाद में ये लिखे गए हैं, पहला और दसवां सबसे बाद में लिखा गया है। इसमें कुल कितने मंडल हैं? तो इसमें 10 मंडल हैं। दूसरा और सातवां बच्चों सबसे पहले लिखे गए थे, पहला और दसवां सबसे बाद में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है और कौन से इसमें नॉन इंपॉर्टेंट है। तो जो तीसरा मंडल है, तीसरा वाला मंडल है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा मंडल। ठीक है, तीसरा मंडल, इसके रचयिता है विश्वामित्र। कौन है बच्चों? विश्वामित्र इसके रचयिता है। ठीक है, विश्वामित्र जी ने इसको रचा था तीसरे मंडल को, और ये गायत्री मंत्र का इसमें उल्लेख है, महत्व यही है। किस मंत्र का उल्लेख है? तो इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किससे मिलता है? तीसरे मंडल से मिलता है। दिख रहा है ना आपको? ऐसा तो नहीं कि ना दिख रहा हो। ठीक है, चलिए और जो इसके मंडल है उनकी हम लोग बात करते हैं, ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए, तीसरा मंडल है, और इसके बाद जो गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित है? तो ये सूर्य देवता जो है उनकी माता सविता को समर्पित है गायत्री मंत्र। ठीक है, इसके बाद जो सात महत्वपूर्ण मंडल है बच्चों, वो मंडल है आपका सातवां मंडल। कौन सा मंडल है? सातवां मंडल बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है। किस युद्ध का उल्लेख है? दशराग युद्ध का इसमें बच्चों उल्लेख है। ये जो है परुषी नदी के तट पर हुआ था। किस नदी के तट पर हुआ? परुषी नदी। इसको वर्तमान में बच्चों रावी नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? रावी नदी कहा जाता है परुषी नदी को। वहां पर बच्चों यह युद्ध हुआ था। अगर हम बात करें किसके मध्य हुआ था, तो यह युद्ध आर्यों और अनार्यों के मध्य हुआ था। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं, सातवां मंडल दशराग युद्ध से संबंधित है, परुषी नदी के तट पर है बच्चों, और आर्यों तथा अनार्यों के मध्य यह युद्ध हुआ था। इसमें राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है बच्चों, तो सातवां इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब नवा मंडल भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सोम देवता का उल्लेख है। किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। जो वनस्पति के देवता थे उनको हम लोग बच्चों सोम देवता कहते हैं, उसका उल्लेख कहां से मिलेगा? नवे मंडल से मिलेगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो बच्चों दसवां मंडल है, उसको इधर लिख लेते हैं। कौन सा मंडल है बच्चों? दसवां मंडल है। दसवां मंडल की बात कर लेते हैं। दसवें मंडल में दो सूक्त है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका पुरुष सूक्त। कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त। बच्चों इससे वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिली है? वर्ण व्यवस्था, यानी जिस आधार पर वर्ण व्यवस्था की जानकारी है वो आधार आपका पुरुष सूक्त है। कौन सा मंडल है? दसवां मंडल है। इसमें व्यवसाय के आधार पर व्यक्ति को वर्ण की व्यवस्था की गई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो चार वर्ण है उसकी जानकारी पुरुष सूक्त में मिलेगी। और ये मंडल कौन सा है बच्चों? तो ये दसवां मंडल है आपका। ठीक है, दसवां मंडल है। इसी में एक आया आपका मंडल, उसको हम लोग बोलते हैं नदी सूक्त। नदी सूक्त, नदीय सूक्त। नदीय सूक्त से बच्चों नदियों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें सबसे पवित्र नदी जो बताई गई है
ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र है नदी, उसका नाम बच्चों क्या है, उसका नाम सरस्वती नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बताया गया है। इसे नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा की उपाधि मिली है। इसे बुद्धि की नदी भी कहा जाता है। तो ये नदी सूक्त और पुरुष सूक्त कहां पर है, दस मंडल में है। इसमें सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बताया गया है और पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध का उल्लेख किया गया है। तो ये आपका ऋग्वेद से संबंधित इसमें इतनी बातें हैं। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं पर इसमें स्थान नहीं है। अगर हम बात कर लें इसमें